Hey guys what's up kyaal this is Nikunj going your tax mentor hopefully you are doing good and your examination preparations are going absolutely fantastic i will not take much time of yours i'm here to just make your path easy i'm just here to give you some tips suggestions with respect to the practice which might help you in dt and idt made inter or final as you all know that dt idt papers Normally, in examination, they become very, they come very above average. Like it will not come very easy, it will not come very difficult, it will come above average. Generally, students face difficulty in attempting the questions of DT and IDT. I get lots of calls from students, maybe my enrolled student, enrolled student, non enrolled student. They generally call me and ask, Sir, I have prepared myself very nicely, but somewhere what happens in the examination, I'm not able to attempt, I'm not able to execute. So what is the reason? What to do? What to do more? Should I take classes? The answer is no. Definitely no. If you have taken classes once of DT or IDT, DT and IDT, you don't have to again take the classes because we teachers, we bring lots and lots of marathons, revision classes, Usi Mapka, Hoja, Dubaras. फादर मनी वेस्ट नहीं करना वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सिट डाउन एंड प्रैक्टिस गाइस आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा यू नीड टू एक्चुअली टेक आउट सम टाइम फ्रॉम योर शेड्यूल यू नीड टू गिव सम एक्स्ट्रा एफर्ट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट विल हेल्प यू टू गेन दैट एक्स्ट्रा मार्क्स विच इज रिक्वायर्ड इन द टैक्स एग्जामिनेशन डी टी और आई डी टी इट्स वेरी लेंदी सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अटेम्प्ट हंड्रेड मार्क्स पेपर इन अ वेरी वेरी लेस टाइम बिकॉज डीटी इन्वॉल्व्स ह्यूज एफर्ट ह्यूज एफर्ट आई डी टी चलो मैनेजेबल है बट डी टी इज इन्वॉल्विंग ह्यूज

ठीक है है तो एक बार एक बार बार आओ मैं आपको दिखाता मैंने आपके लिए किया का अलग बुक है सीएस का अलग बुक है सीएस वाले स्टूडेंट्स अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी यह बुक ले सकते हो जिसमें हमने सारे एमसीक्यूज कवर किए हैं विद आंसर्स अपडेटेड as पर एग्जामिनेशन टर्म डी का जो हमारा बुक बना है फॉर सी ए सी एम एंटर इट इज अप्रोक्सिमेटली सेवन फिफ्टी पेजे विच हैजेड इन टू टू वॉल्यूम्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने सेवन फिफ्टी पेज का एक बुक बनाया था बट वो बहुत ज्यादा मोटा था एक ही बुक दिया जा रहा था स्टूडेंट्स को बट इसी को मैंने अब डिवाइड बाई टू कर दिया है सो फिर आप सो दैट बाइंडिंग क्वालिटी इन एवरी थिंग इज ओके सो एंड यू विल ऑल्सो फेस यूल नॉट फेस मच डिफिकल्टी एंड यू कैन कैरी द बुक्स वेर यू वॉन्ट टू डू ठीक है तो वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू दैट टू वॉल्यूम्स ऑफ डी टेर इज वन वॉल्यूम ऑफ आई डी टी है

जब ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न हुआ था तो ऑनलाइन का एग्जाम का पैटर्न बहुत अलग था तो वो हम लोग ने हटा दी अपने बुक में से हमने खाली ऑफलाइन वाला पैटर्न का एग्जामिनेशन फॉलो किया बिकॉज करेंटली ऑफलाइन एग्जाम पैटर्न सीएम स्टूडेंट्स के लिए फॉलो किया जा रहा है क्वेश्चन फ्रॉम टू टिल टू थाउजेंड आंसर्स मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा लास्ट तक देखिएगा वीडियो टू से टू तक सारी क्यू अपडेटेड है चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो ऑल आंसर्स आर अपडेटेड एंड मॉडिफाइड एज पर रेलिवेंट एक्जाम कभी कभी होता है ना कि मान ली रिबेट का क्वेश्चन रिबेट का लिमिट

फोर एग्जामिनेशन आई थिंक इट इज अ मस्ट वू प्रैक्टिस फॉर हंड्रेड परसेंट कवरेज प्लस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेटर बुक मेरे हिसाब से नहीं है टैक्स के लिए डीटी एंड आईडी टी अगर आपको खाली प्रैक्टिस करना है

ऐसा so, आपको पता खुद से चल जाएगा यू विल नॉट वीडियो और समथिंग लाइक है और हम बना के आपको देंगे बट ये प्रैक्टिस ना आपको बहुत फायदा होगा बुक्स आप अवेलेबल है मैं आपको दिखा दूंगा आप हमारे वेबसाइट से अवेल कर सकते हो हमने एकदम नॉमिनल प्रिंटिंग कॉस्ट ठीक है प्लस आपसे डिलीवरी इंक्लूड, इंक्लूड है अगर आप हमारे सेंटर से ले करते हो, तो आपको लिए भी सिमिलरली डी बुक अवेलेबल है बट ट्रस्ट मिगाइस अभी इस पे थोड़ा सा हम कंटेंट रिड्यूसिंग का, का काम कर रहे हैं कंटेंट रिड्यूसिंग मतलब अभी जो करेंटली यही फाइनल का बुक बना है यहां पर तो हमने सी एस तीनों को कवर किया बिकॉज यहाँ पे सब

पे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएगा प्लस यू विल आल्सो गेट द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूस ठीक है ना क्वेश्चंस यहाँ पे हमने 19 से लिया है 18 वाला टर्म थोड़ा सा पुराना था हमने नहीं लिया कुछ-कुछ डुप्लीकेशंस -कुछ था अच्छा अब ये जो बुक है ना गाइज़ ये 1000 पेजेस से एक्ससीड हो गया ऑब्वियसली इसलिए होना था क्योंकि इसमें सीएस का भी क्वेश्चंस कवर्ड है सी एस प्रोफेशनल सी एम ए फाइनल एंड सी ए फाइनल सारे क्वेश्चन हमने कवर करके रखा है यहाँ पे हम रिड्यूस करने का कोशिश कर हैं, इस कंटेंट रिड्यूस करने का बट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के इतने डिमांड है इतने कॉल्स आते हैं डेली किसान हमें बुक चाहिए बुक चाहिए बुक चाहिए हम उनको ही जवाब देते प्लीज गिव मी टाइम 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 क्योंकि हम कंटेंट को रिड्यूस कर रहे हम थाउजेंड पेजेस से ज्यादा का अगर आपको बुक दे देगा तो तीन वॉल्यूम हो जाएगा जो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है सो वट वी आर डूइंग वी आ रिमूविंग द डुप्लीकेट क्वेश्चन जो क्वेश्चन मान लीजिए टू में भी आ गया ट्वेंटी में भी आ गया वो क्वेश्चन को एक बार बटा दे रहे डिलीट कर दे रहे एक ही जगह रख रहे हैं सो दैट अननेसेसरी आपका स्ट्रेस नहीं बढ़े यू डोंट हैव टू योर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड अननेसेसरी तो ये जो हम टारगेट लेकर रखे बेटा इसका जो बुक्स है वो एटीन मे से अवेलेबल हो जाएगा ठीक है वी आर टारगेटिंग अ लॉट हम बहुत दिन रात मेहनत कर रहे इस बुक को अपडेट करने के लिए बट जब अपडेट हो जाएगा तो अलग लेवल पे आप लोग का प्रिपरेशन चला जाएगा सीए के क्वेश्चन अपडेटेड नहीं थे तो मैंने सीए का भी क्वेश्चन डाला सी एस के कुछ टर्म्स के अपडेटेड नहीं थे सीएमए का भी रिसेंट टर्म अपडेटेड नहीं था तो सब मैंने क्या किया डिसंबर ट्वेंटी थ्री तक के सारे सवाल यह मैंने अपडेट कर दिए और ये सिलसिला जारी रहता रहेगा एक एक टर्म आगे बढ़ता रहेगा और लास्ट का एक एक टर्म जो है वो हम लोग डिलीट करते रहेंगे सो दैट बुक्स की जो हमारी क्वालिटी है हमारी जो वॉल्यूमनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़े भी नहीं और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सर ठीक है तो ये था हमारा एक बेसिक आइडिया अबाउट अवर सेवियर बुक तो लेट्स शो यू फर्स्ट अब डी का सेवियर बुक देखिए हमारा डी का सेवियर बुक है ठीक है इसको मैंने वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू में आप देख सकते थ्री सेवेंटी पेजेस ठीक है मेरे को दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है आप देखो ये मैं आपको दिखाता तो हूं क्या जबरदस्त चीज हमने आप लोग के लिए किया है डायरेक्ट टैक्स का अगर आप सेवर बुक देखेंगे ना तो डायरेक्ट टैक्स का सेवर सबसे पहले आप एक चीज समझो कि डी टी में ईयर्स हैज़ अ इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर और ये हर बार क्या चेंज होता है तो देखो बेटा मेरे लिए हर बार है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हर बार मुझे एक एक साल आगे बढ़ाना पड़ता है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जैसे जो बच्चे टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव में एग्जाम देंगे उनके लिए एक साल आगे का प्रीवियस ईयर होगा जो डिसम्बर जो अभी एग्जाम दे रहे हैं जो अभी इस वक्त टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में एग्जाम देंगे ठीक है

नी पर्टिकुलर ईयर तो वहां ये शॉर्टकट्स यूज किया है सिमिलरली जो 2025 में एग्जाम देंगे आपके लिए ऑब्वियसली ट्वेंटी 25, ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू होगा ये जब आप मेरा सेशन देखेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूँ सो दिस शॉर्टकट है अच्छा इस पर्टिकुलर बुक को आप स्कैनर मत समझना ये स्कैनर से बहुत ही डिफरेंट है यहाँ आंसर्स के साथ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जिस्टिंग सिलेबस का पार्ट नहीं है मान लीजिए हो सकता है इंस्टीट्यूट ने कोई चैप्टर रिमूव कर दिया न्यू सिलेबस में तो उसको मैंने यहाँ से हटा दिया बुक से और नेसेसरी चेंजेस जो क्यू एन एज में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो कि आपका अमेंडमेंट होता है वो अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कोई आंसर चेंज हो रहा है तो उसको भी हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं ठीक है ना सो so ये कुछ है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पॉइंटर्स आप ध्यान दो और इसमें ना हमने कुछ भी अपने हिसाब से बताया आपको जैसे देखिए आप अगर आप कंटेंट्स में आएंगे तो कंटेंट्स में आपको समझ में आएगा जिससे उसमें सारे चैप्टर्स कवर्ड है रेसिडेंशियल स्टेटस एग्जामिशन एग्रीकल्चर इनकम ये तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट एमसी की उसका पार्ट अलग है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे फिर चाहे वो CMA है, CMA में एम MTP में है, RTP, वट एवर द केस में भी अगर वो पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज्ड है तो आपको एक जगह सब कुछ करके दिया गया है विद अपडेटेड आंसर्स। ये हमारा बर्ड आई व्यू है ठीक है अगर आप देखेंगे दिस इज आवर बर्ड्स आई व्यू दिस इज आवर बर्ड्स आई व्यू सी ए इंटरमीडिएट का वैसे सी एम ए इंटरमीडिएट का एग्जाम हॉल का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए मतलब एक बार जब आप बुक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस आप देखो अच्छा टू थाउजेंड एटीन मैंने बोला मैंने सेवनटीन से दिया कुछ कुछ जगह पर जहाँ मुझे लगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है विथ सजेस्टेड आंसर प्रॉपर ठीक है विथ प्रॉपर सजेस्टेड आंसर ऐसे सारे चैप्टर्स का कवर किया गया है ठीक है आप देखो सब चीज़ नवंबर ट्वेंटी टू का पीटीपी नवंबर ट्वेंटी टू का क्वेश्चन उसका आंसर फिर पीटीपी नवंबर ट्वेंटी टू का क्वेश्चन ट्वेंटी टू एम टी पी मार ट्वेंटी थ्री सिक्वेंस वाइज दिया एम टी पी अप्रिल्रिल्रिल्रिल्रिल ट्वेंटी थ्री क्योंकि सी ए इंसिटीट्यूट भी दो एम टी पी निकलता है पीटीपी मे ट्वेंटी थ्री पीटीपी मे ट्वेंटी थ्री का दो सवाल है इसमें ठीक है फिर आरटीपी मे ट्वेंटी थ्री फिर पीटीपी जून ट्वेंटी थ्री ओल्ड सी एम ए का मतलब सर आप थक जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते इसलिए मैंने बोला अगर ये कर लिया तो इसके बाद कुछ नहीं आएगा तो देखो लेवल भी वैसा ही है आपको चैलेंजिंग टास्क पहले करना पड़ेगा एग्जाम के पहले सो दैट आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए सर

चाहे वो एम सी क्यू मैराथन और एवरीथिंग इज कंडक्टेड फ्रॉम ईयर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर नोट्स कहाँ मिलेगा नोट्स कहाँ मिलेगा मैं उनको बताते रहता हूँ कि देखिए आप हमारा जो ये जो बुक है यू कैन अवेल फ्रॉम आवर वेबसाइट ठीक है हमारे वेबसाइट में जाकर आप निकुज गोयिंगा डॉट कॉम में जाकर बुक्स में सेक्शन में जाके सी ए में चाहे सी एस सी ए में बड़े वर्ग के इसमें क्योंकि दोनों का बुक्स एम है क्योंकि दोनों का हमने डाल के रखा है आप यहाँ पे जाओ आपको इनकम टैक्स सिविर इंडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा सर ठीक है वैसे अगर आपको फाइनल में जाना है तो फाइनल में जाओ आपको फाइनल का बुक भी यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है ना यू विल गेट द बुक फॉर फाइनल ऑल्सो अभी हमने लिस्ट नहीं किया हम लिस्ट कर देंगे बहुत जल्दी ठीक है जैसे रेडी हो जाएगा अभी रेडी नहीं हुआ था इसलिए हम लिस्ट नहीं किए थे बट यहाँ पे भी फाइनल का बुक रिलीज हो जाएगा सर तो ये था डीटी का बुक सिमिलरली डीटी का ये वॉल्यूम टू है डीटी का वॉल्यूम टू में बाकी का जो चैप्टर्स है वो हमने कवर किया है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम डिडक्शन ठीक है चैप्टर इलेवन कवर किया क्योंकि एक साथ बुक बहुत ज्यादा फैटी हो गया था नेक्स्ट है आपका आई IDT. IDT में भी सेम है सर देखो IDT का भी बुक इसी तरह से बना हुआ है 490 पेजेस का बैग बैग्यो पार्टन 450 नहीं था मैंने आपको 450 बोला था 490 पेजेस का IDT का बुक है अभी इसी में से मैंने अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन सारा सॉल्व कराया है ठीक है जैसे ओवरव्यू ऑफ जीएसटी हो गया ठीक है अलग अलग चैप्टर्स है देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया ठीक है ना ऐसे अलग अलग चैप्टर्स है फिर आपका टैक्स इन डेबिट नोट्स आज यही चल रहा था टैक्स इन वाला चैप्टर है तो अलग अलग बुक्स जो है, आप के लिए बनाया गया है सर ठीक है ये है, है है, 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 फिर नीचे आपको ना भी भी दिखेगा, पूरा देखिए दिखे आप, सीएमए वाले ये नहीं सोचे हमारे यहाँ तो नहीं आता अरे के स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज में क्या रहता है Five independent, एक से होते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है को अगर आप स्प्लिट कर दोगे तो इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाएगा तो ऐसा मत सोचना सीएमए वाले कि सीए वाला क्वेश्चन हम क्यों करें एनवाईसी वर्सा सी वाले वे सोचेंगे नहीं नहीं मेरा तो टफ आता है सीएमए वाले को तो आता है ये सब मत सोचना सब चीज आपको करना है यही मेन आपका एटीट्यूड होना चाहिए जिससे आपका कवरेज सबसे ज्यादा हो सके तो ये था इंटरमीडिएट का फाइनल लेवल का बेटा थाउजेंड पे आप देख सकते हैं फोर फोर्टी पेजेस का है और एक फाइव नाइनटी फोर पेजेस का तो थाउजेंड पेजेस एक्सीड हो गया है जिसकी इसलिए क्योंकि इसमें कुछ डुप्लीकेट सम्स भी है जैसे आप देखो इसमें जीएसटी भी कवर्ड है कस्टम्स भी कवर्ड है, है कस्टम भी कवर्ड है एफ भी कवर्ड है और सबके ऑब्जेक्टिव भी कवर्ड है कस्टम एफ का ऑब्जेक्टिव अलग से कवर किया गया है जीएसटी का ऑब्जेक्टिव अलग से कवर किया गया है आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सी ए का सीएमए का सी एस का भी ये सब वॉल्यूम बढ़ गया अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट नहीं हुआ क्योंकि जब हमारा फाइनल बुक जब कंटेंट साइज रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद हम अपडेट करके आपको दिखाएंगे खैर ये हमारा भी ड्राफ्ट है ठीक है तो ये बुक आप देख सकते हो कि इसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन आप देखो ध्यान से के 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 है Final, Professional, Final, ठीक है? सारे दिए हुए हैं 21 तो 2019, को मिया, 2019 के पहले का क्वेश्चन हम पे नहीं डाल रहे हैं वो अलग से आपको अगर चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी हमसे मांग सकते हो हम आपको उसका कॉपी दे, दे देंगे 2018 तक का सवाल

डीटी और आईडीटी का टैक्स बुक जो है वो आपको कैसे पढ़ना है हाउ टू प्रैक्टिस इट हाउ टू डू इट हर चीज मैंने आपको बता दिया है प्रैक्टिस कैसे करना है एक एक चैप्टर दो दो चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा वैसे आपको उस चैप्टर का सोल्व कर लेना है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व कर लेना है कुछ क्वेश्चन लिखिए तीन या चार क्वेश्चन लिखिए और बाकी आप ओवरऑल गो थ्रू कर लीजिए हो जाएगा मोर देन सफिशेंट आपको आइडिया मिल जाएगा कि वट इज द लेवल ऑफ द राइटिंग विच है एग्जामिनेशन ठीक है सो दैट सेट फॉर द डे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर आपको कोई भी हमारे से हेल्प चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द बुक्स डू यू नो कॉमेंट इन दमेंट बॉक्स एंड विल रिप्लाई यू एक बात याद रखिएगा बस वीडियो खत्म होने के पहले बता देता हूँ कि इसका सॉफ्ट कॉपी बुक हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे बट ऑब्वियस है बेटा अगर मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा तो आप इसमें ना कुछ राइटिंग वाइटिंग कुछ कर नहीं पाएंगे आपके लिए ये यूजलेस बुक हो जाएगा हमने प्रीवियस टर्म्स में भी देखा है कि जो भी स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी लेता है वो उसका कुछ वैल्यू जानता ही नहीं है ये हार्ड कॉपी में आपको दिया जाएगा एकदम प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्मेट में दिया जाएगा हमारे जो एग्जिस्टिंग एनरोल स्टूडेंट है आपको हमने इसका इन एप डाउनलोड फीचर अलाउ करके रखा है आप हमारा ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं बट ऐप में ही आपको ये व्यू करना पड़ेगा सर इतना हम आपके लिए किए हैं बिकॉज आप हमारे अगर आप एनरोल स्टूडेंट तो आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए बट अगर आपको प्रॉपर हार्ड कॉपी चाहिए तो सर यू कैन जस्ट ऑर्डर इट फ्रॉम अर वेबसाइट एंड यू कैन यूज़ इट गैस तीन सौ चार सौ रुपये फर्क नहीं पड़ता आप लोगों के लिए आई डोंट थिंक सो जहाँ पे आपने दस दस बीस बीस हज़ार रुपये अपने बाद सब्जेक्ट्स के लिए दिया है तो मैंने खाली प्रिंटिंग कॉस्ट ऐसा नहीं कि मैंने एक्सॉबिटेंट प्राइसेस चार्ज किया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है आई थिंक फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड कॉस्ट है डी का आई का वट एवर द केस में आई डोंट नो अबाउट द कॉस्ट ऑल्सो मेरी टीम ही सब डिसाइड करती है और अगर आप डिलीवरी करवाना चाहते हो तो बस आपका जो बेसिक कुरियर शिपिंग है अप्रोक्सीमेटली वन फिफ्टी रुपीज़ बस उतना ही चार्ज किया जाएगा वन फिफ्टी टू हंड्रेड वट द केस में भी तो जो भी है भाई आप आपका पढ़ाई से आप, आपको जो मैं वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ जितना कुछ दे रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है मैंने जो अपना टाइम दिया मैंने जो अपना एफर्ट दिया इन मेकिंग द बुक इतना uh, रिसर्च टीम बैठा है इसके ऊपर उस चीज का तो हम आपसे कुछ चार्ज ही नहीं कर रहे हैं खाली बेसिक प्रिंटिंग और डिलीवरी कॉस्ट है वही चार्ज कर रहे हैं तो उतना है और कुछ नहीं है बेटा लेकिन आप अगर ये बुक प्रैक्टिस करते हो तो आपका एग्जामिनेशन अगर इसमें आपका एग्जामिनेशन में अगर इफेक्ट आता है पॉजिटिव इंपैक्ट आता है तो आई डोंट थिंक सो so, आपको इसमें कुछ सोचना चाहिए ठीक है सॉफ्ट कॉपी का रिक्वेस्ट प्लीज हमसे ना करें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी टीम को सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी रिक्वेस्ट करती है तो हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे सॉफ्ट कॉपी बस ये चीज़ आप ध्यान रखो आपको हमारे से हार्ड कॉपी चाहिए हम आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर देंगे सर ठीक है दैट्स इट फॉर द डे थैंक यू सो मच टेक केयर गॉड ब्लेस यू कल मिलते हैं सीएमए फाइनल आईडीटी का प्रैक्टिस सेशन के लिए डे आफ्टर टुमारो इंटर का इस तरह से सारा चीज हमारा बैक टू बैक अभी देख लो इस वीक पूरा जेन जिनपैक्ट है शेड्यूल पैक्ट है आपका यूट्यूब लाइव चैनल में मैंने आपको सब चीज शेड्यूल करके दे दिया है विद प्रॉपर शेड्यूल थैंक यू सो मच टेक केयर गॉड ब्लेस यू बाय